बनाए गए मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी को सबसे पहले मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन ये बेहतर होता कि यदि कांग्रेस पार्टी पहले ही इनको पूरे 5 वर्ष के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती, किंतु अब कुछ ही समय के लिए इनको पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना, तो इससे तो ये लगता है कि ये केवल इनका कोरा चुनावी हथकंडा है, इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। साथ ही मीडिया के जरिए आज ही मुझे ये भी मालूम हुआ कि पंजाब में आगामी विधानसभा आम चुनाव इनके नेतृत्व में नहीं बल्कि गैर दलित के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा, जिससे भी ये साफ जाहिर हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी का दलितों पर अभी अभी तक भी पूरा भरोसा नहीं जमा है। किंतु इनके इस दोहरे चाल चरित्र व चेहरे आदि से वहाँ के खासकर दलित वर्ग के लोगों को जरूर सावधान रहना है। लेकिन इससे ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ अकाली दल व बीएसपी के बने गठबंधन से काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, और मुझे ये पूरा भरोसा है कि पंजाब के दलित वर्ग के लोग भी इनके इस हथकंडे के बहकावे में कतई भी नहीं आने वाले हैं। वैसे तो सच्चाई ये है कि इनको वे अन्य विरोधी पार्टियों को भी मुसीबत में ही या फिर मजबूरी में ही दलित वर्ग के लोग केवल इन्हें याद आते हैं, ये भी सर्वविदित है। जैसे आप लोग परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का ही उदाहरण लीजिए, तो यदि कांग्रेस पार्टी के पास जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए थे, हालांकि संविधान बनने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो गई थी, जब अंग्रेज रजाबंद हो गए थे कि हम भारत को आज़ाद कर देंगे, तो जब भारतीय संविधान को बनाने की बात आई, तो उस समय यदि कांग्रेस पार्टी के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास एंड कंपनी के लोगों के पास, यदि इनके पास बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज़्यादा काबिल हो आदमी होता, तो ये किसी भी कीमत पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान को बनाने में उसमें शामिल उनको नहीं करते। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।